हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों को पार्लर के तरीके से हेयर स्ट्रेट करना बताने वाली हूँ और ये बहुत ज़रूरी है बताना। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सेल्फ में आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल टेक्निक उसमें भी मैं शेयर की हूँ। लेकिन हमारी फैमिली क्या अभी बड़ी होते जा रही है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉमेंट आ रहे हैं कि सेल्फ में मैम हेयर स्ट्रेट करना बताइए। तो आज पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को करके बताने वाली हूँ। देखिए, जब तक आप लोगों को सही जानकारी ना हो, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप खुद से अपने बालों पे स्ट्रेटनर यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास में ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनके पहले हेयर अच्छे थे, लेकिन जब वो सेल्फ में कर करके पूरे बालों का जो है मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, साइन भी पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी बालों की और उनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो गई है। तो ये सब चीज़ें मैं दिन भर देखते रहती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको सही आइडिया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया सही नहीं है तो फिर आप मत करें। तो सबसे पहले तो आपके पास में एक अच्छा स्ट्रेटनर होना चाहिए। तो मेरे पास में एक ये वाला है आइकॉनिक प्रोफेशनल ग्लीम का। तो ये काफ़ी कॉस्टली है, तो ये पार्लर यूज़ के लिए रहता है। तो इतने कॉस्टली पे ज़रूरी नहीं कि आप जाएं, आपको आइकॉनिक में भी कम रेंज का मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। ये हैवल्स का है, ये भी आपको 2 से 2500 के रेंज में मिल जाएगा। इसका भी काफ़ी अच्छा काम है, इसमें भी बहुत अच्छी शाइन आती है जब हम अपने बालों पर यूज़ करते हैं, और इससे भी बहुत अच्छी शाइन आती है। मैं दोनों स्ट्रेटनर यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। स्ट्रेटनर यूज़ करना, जैसे कि आप देखते हैं सिंपली ऐसा ऐसा यूज़ हो रहा है बालों पे, हम ऐसा ऐसा करते हैं तो लगता है कि अरे तो बहुत इजी है, हम भी कर लेंगे। लेकिन सबसे मेन होता है कि आपको टेम्परेचर कितना रखना है, ये जानकारी होनी चाहिए, और यूज़ करने के पहले आपको क्या क्या प्रोटेक्शन अप्लाई करना है इस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि वीडियो में कोई बोल दिया कि आप 150 या 180 या 190 या 210 पे रखें, तो आप उतने पे ही रख लोगे, लेकिन नहीं, मेन आपको हेयर के टेक्सचर को समझना है। अगर हेयर अच्छे हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आप उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के रख सकते हैं। कर्ली है तो उसका आप सबसे ज़्यादा बढ़ा के रखोगे, जैसे 210 पे कर सकते हो, बहुत हैवी कर्ली तो 230 भी रख सकते हो। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सारे टेम्परेचर मेंशन रहते हैं। अगर किसी का हेयर बहुत ही लाइट है, बिल्कुल भी वजन नहीं है बालों में, ऐसा आप देखते होंगे ऐसा वेवी टाइप का फ्रिजी सा रहता है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे 130 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम होता है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा ठीक है तो फिर आप 150 रख सकते हैं। यहाँ पे सारी डिग्री जो है मेंशन है टेम्परेचर्स, और उसके बाद है 170, 180, 210, 230। बहुत ज़्यादा कर्ली है तो 230, थोड़ा सा उससे मीडियम है तो 210, और अगर अच्छे हेल्दी और मोटे टाइप के हेयर हैं तो फिर आप उसमें 190 और 170 यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से मेंशन रहता है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है 150 डिग्री सेल्सियस भी रख के यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अभी मैं इसको ऑन कर देती हूँ, यहाँ से ऑन करने का रहता है ये, ठीक है। तो ये जब ऑन होता है तो डायरेक्ट 190 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है। तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगी, जब करना स्टार्ट करूंगी तो इसको मैं 170 पे रख लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा कर ली क्या, बिल्कुल भी कर ली नहीं, वैसे तो नॉर्मल हीट पे ही करने वाली हूँ। मशीन यूज़ करने के पहले बालों पे प्रोटेक्शन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं हीट प्रोटेक्टर, बी ब्लंट का, बेरीना का, या फिर लॉरियल का, बहुत सारे ब्रांड में आता है। मैं बी ब्लंट काफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसके साथ में अगर आपके पास में ये नहीं है तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं जैसे ये लॉरियल का सीरम, या फिर एक मैं ये भी बहुत यूज़ करती हूँ बी बॉडी वाइज का भी सीरम, बहुत अच्छा रहता है। स्ट्रिक्स का भी जो ग्रीन कलर में एक आता है वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अमेजिंग काम करता है। तो पहले इस तरीके से इसको स्प्रे कर लेंगे बालों पे। तो ये क्या रहता है, एक सील्ड सी प्रोटेक्शन लेयर बना देता है। इसके ऊपर हम जब स्ट्रेटनर चलाएंगे ना तो हमारा एक्चुअल हेयर है वो डैमेज नहीं होगा। और इसको कॉम की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा सीरम भी अप्लाई कर लेंगे।
और सीरम को लेंथ एरिया पे ही लगाना है इस तरीके से। तो मेरे हेयर तो ऑलरेडी देख सकते हैं आप सीधे टाइप से ही हैं, बिल्कुल भी ना तो वेवी है ना कर्ली है, तो मैं मीडियम टेम्परेचर पे ही रख के करने वाली हूँ। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, टू पार्ट्स में ऐसा हेयर को डिवाइड करते हैं और डायरेक्ट ऐसा प्रेशिंग मशीन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे करते हो ना तो वो परफेक्ट होता ही नहीं और आपको बार बार चलाना पड़ता है। कोशिश करें कि कम से कम आपको अब मशीन चलानी पड़े, तो उसके लिए आपको सेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हेयर को ऐसा कोम करके मिक्स कर लें, पूरे हेयर को इस तरीके से देखें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको हम क्लच करते जाएंगे, जैसे हम पार्लर में क्लाइंट के ऊपर में करते सेम हमें अपने बालों पे भी करना रहता है। तो आप खुद के बालों पे बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में कैसे कर सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे आज शेयर कर रही हूँ। तो देखते हुए चलिए, एक पतली कोम ले लेंगे, देखिए अब इतने सेक्शन के साथ में आप करोगे तो मशीन का असर जल्दी होगा और आपको बार बार रिपीट करके चलाना नहीं पड़ेगा। तो इसको भी मैं टू पार्ट्स में ले रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं इसका टेम्परेचर देखिए ये 190 पे है ना, तो इसको मैं थोड़ा डाउन कर लूँगी 170 डिग्री फिलहाल। ठीक है, जब मुझे लगेगा तो मैं कर सकती हूँ ज़्यादा, अब ऐसा कोम की हेल्प से करते जाएंगे। कम कम हेयर के साथ करोगे ना तो ये बहुत जल्दी हो जाता है और आपको बार बार नहीं यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 2 से 3 बार की और ये बहुत अच्छे से डन हो गया। आप दोनों में फ़र्क देखिए, ये वाला हेयर और ये वाला हेयर, ये हो चुका है और इसमें नहीं हुआ है। जो होते जाए उसको ऐसा पीछे करते जाएं। मोटा सेक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे वरना अच्छे से नहीं होता और बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए बता रही हूँ। तो इधर का हो चुका और इधर का नहीं हुआ, तो दोनों में फर्क आप देख के समझ सकते हैं कितना अच्छे से ये डन हुआ है। तो ये होता है सेल्फ में करने का तरीका। जब हम दूसरे का करते हैं तो हम बैक साइड में जाके ऐसे सेक्शन डिवाइड करते हैं उसके बाद में करते हैं, लेकिन जब हमें खुद का करना होगा तो आपको सामने की तरफ ही हेयर को ऐसा लाके प्रोसेस करना होगा। जो भी हेयर हो जाए आप ऐसा पीछे करते जाएंगे, कोम कर देंगे। देखिए ये कितना अच्छे से कंप्लीट हुआ है और अच्छी शाइन भी आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर से सेक्शन डिवाइड करेंगे, यहाँ से फिंगर को आप डालेंगे ना तो इजीली आपका देखिए प्रॉपर सेक्शन निकलेगा, इधर भी। ये एक्स्ट्रा हेयर को ऐसा ऊपर क्लच कर देना है, अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हेयर है, हमने सेक्शन तो डिवाइड कर लिया लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम एक साथ में नहीं करेंगे, ऐसे पतले पतले इसमें भी डिवाइड करेंगे इस तरीके से। और कोम का हेल्प आपको लेना है, अंदर की तरफ ऐसा कोम लगाएंगे, उसके बाद में स्ट्रेटनर रखेंगे और यूं नीचे की तरफ खिसकाते हुए लेंगे, फिर से कोम की हेल्प से हेयर को सपोर्ट देंगे और फिर ऐसा चलाएंगे।
आप देख सकते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही चला रही हूँ, बार बार चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब ये वाला जो बचा है इसको भी हम कर लेंगे। मैंने सामने मिरर नहीं रखा हुआ है तो मैं कैमरे में ही देख के कर रही हूँ फिलहाल। तो मेरे हेयर बिल्कुल भी वेवी कर्ली है ही नहीं, तो मैंने जो है 170 पे रखा हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं मैंने कितने पे रखा है। अब इधर वाले को भी कर लेना है। अच्छा, अब इस तरफ का हेयर मैं आपको दूसरे वाले ड्रेसिंग मशीन से करके दिखाती हूँ। दोनों से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जिसको मैं ऑन कर लेती हूँ फिलहाल। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रेटनर है इसका सिस्टम डिफरेंट है, इसमें जो भी दिखेगा यहीं पे दिखने वाला है इसमें। तो ये अभी ऑफ है, यहाँ पे 3 बटन सिस्टम दिया, तो इसको ऐसा ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसको थोड़ा दबा के रखेंगे, हाँ, तो ये भी डायरेक्ट 190 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो इसको अभी मैं 190 पे ही रखूँगी, क्योंकि और जो भी टेम्परेचर यहाँ पे अप एंड डाउन, तो प्लस बढ़ाने का और माइनस कम करने का, तो इसमें भी टेम्परेचर सिस्टम आपको यहाँ पे दिखेगा, जितना चाहिए कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी ये इसको मैं बढ़ा के रखूँ ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। इसको भी 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे। इससे भी बहुत अच्छे से डन हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर अपने पार्लर यूज के लिए आपको चाहिए तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ अपने सेल्फ यूज के लिए चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं, या फिर आप आइकॉनिक में ही आपको कम रेंज में भी मिल जाएगा तो वो भी आप ले सकते हैं। दोनों में क्या फर्क लग रहा है, दोनों एक ही जैसे कंप्लीट हुआ है। ये जो फ्रंट वाला हेयर है ना उसको इस तरीके से उठाएंगे, देखिए इसको ऊपर के साइड में करेंगे, इस तरीके से रखना है और ऊपर के साइड में। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और देखिए कितना अच्छे से ये डन हुआ है। जब आप पतली लेयर के साथ में काम करते हो तो
जो स्ट्रेटनर का असर वो जल्दी होता है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा और आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन अप्लाई करने के लिए बोली हूँ वो आपको अप्लाई करना है और जल्दी जल्दी करना है, फटाफट से 2 से 3 बार आप करोगे आपका एक लेयर डन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे सेक्शन वाइज करते हो ना तो पूरी लेयर्स में हो जाता है, कहीं पर भी आपका बाल छूटता नहीं है और पूरे बालों पे अच्छे से आपका प्रोसेस डन होता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। और आप सही नॉलेज के साथ में काम करोगे तो आपके हेयर भी बचे रहेंगे और आप अपने शौक भी पूरे करते रहेंगे। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छे सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।